नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खबर। 4 दिसंबर को टंट्या मामा का बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत होगा। इसके लिए 2 यात्रा है। 27 नवंबर से शुरू होगी, टंट्या मामा के जन्म स्थान पधाना से माटी लेकर धार और इंदौर जाएगी। दूसरी यात्रा इंदौर धार सैलाना जाएगी। 4 को मुख्य कार्यक्रम पाताल पानी में होगा, जहां यात्राएं पहुंचेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। रूट की समीक्षा और सम्मान के साथ कार्यक्रम हो, प्रमुख स्थानों पर रथ जाएगा। ऋतु मिश्रा ने सलाह देते हुए कहा कि एक जनजाति के व्यक्ति को एक पद दे दो। भाजपा में बैठक कांग्रेस पर तंज। भाजपा में बैठकों का दौर लगातार जारी रहता है। कांग्रेस की तरह प्रवासी पक्षियों की तरह नहीं कि जब वे आएंगे तब बैठक होगी। महापुरुष थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। इसके लिए 2 यात्राएं संभवतया 27 तारीख से प्रारंभ होगी। ये दोनों यात्रा, पहली यात्रा जहां उनका जन्म स्थान था वहां से माटी लेकर चलेंगी, बड़ौदा अहीर जो पंधाना में है वहां से प्रारंभ होगी और जिलों में होती हुई धार पहुंचेंगी और इंदौर, और इसी तरह से दूसरी यात्रा सैलाना से प्रारंभ होगी, वो भी ऐसे होती हुई धार आएंगी और उसके बाद इंदौर होती हुई सभी 4 तारीख को एक जगह पर सभी पहुंचेंगे। सभी स्थानों पर शहीद टंट्या मामा श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सभी प्रमुख जगहों पर मुख्य वक्ताओं के भाषण इसमें दिए जाएंगे। ये यात्राएं 3 को इंदौर में पहुंच जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा है कि अपने अपने रूट की वो समीक्षा करें, पूरे सम्मान के साथ ये कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि होना चाहिए और जो भी शहर के प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर रथ इसके लिए जाएगा। ये प्रमुख रूप से सभी जो जिस रूट में खंडवा, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन वगैरह, इंदौर यहाँ भी निकलेंगे, वहाँ सभी प्रभारी मंत्री इस यात्रा को देखेंगे। अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सोई वो कहते हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं एक पद जनजाति के किसी भाई को दे दो मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कम से कम पार्टी से तो चलो, ये तो आपकी पूरे देश से अलग हटके अलग प्रकार की बात है। अब मैं तो आना चाह तो नहीं कह सकता आपको। सर कोरोना के क्षेत्र में 12 पिछले 24 घंटे में नए प्रकरण आए और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 90 एक्टिव केस कुल वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.016% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 53,408 प्रकरण कोरोना के सैंपल लिए गए। एक विषय दूसरा, आपके चुनाव में 1,000 रुपए प्रति महिला देने की घोषणा की है, ऑटो रिक्शे में भी घूम गए। 10 साल में न तो जमुना मैया को साफ कर पाए, न प्रदूषण दिल्ली का कम कर पाए, अब पंजाब पहुंच गए प्रदूषण फैलाने। पहले अकेले खांसते थे दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति दिल्ली की कर दी है। वो केजरीवाल के आश्वासनों पर कौन विश्वास करेगा। काम निरंतर चलता रहता है, संगठन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सीधा जुड़ाव रहता है, हमारे नेताओं का सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता से रहता है। कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी थोड़ी है कि जब प्रवासी पक्षी आएंगे तभी बैठक होगी। सर कांग्रेस की सर आज से बैठकें चालू है सर, रसे बदल महिला कांग्रेस तमाम 4 दिन तक बैठक रहेगी, कह रहे हैं कि 2023 की तैयारी कर रहे हैं।
वो आप हमेशा तैयारी और उनके प्रवक्ताओं के बयान भी टीवी पर देखा करो, हर चुनाव जब आता है तब कहते हैं हम जीत रहे हैं, हारने के बाद कुछ नहीं कहते, हारने के बाद एक रटा रटाया सकते, बाहुबल का प्रयोग किया, धर्मल का प्रयोग किया, ऐसे ही 23 में कहने वाले हैं वो। आप 28 सीटों का देख लो, अभी जो निपटी है 4 उपचुनाव, मतलब 8 विधानसभा, 1 लोकसभा में थी और 3 वो, ऐसे 11 विधानसभाओं में उनकी राय देख लो, ये हमेशा रटी रटाई बातें हैं। और इसलिए चाहे वो अभी उनकी हार तय थी और 23 में भी हार तय है, सर मध्य प्रदेश में 35 साल से चली आ रही है, अर्जुन सिंह चाहते थे, दिग्विजय सिंह चाहते थे, लागू नहीं कर पाए, अब लागू कर रहे हैं और बहुत जल्दी लागू होगी, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए। सर पहले 35 साल हो गए, क्या कारण ढूंढे तक तलाशी गए? इतनी गहराई में न जाते हुए भविष्य अच्छा हो इसकी सोचा नहीं, भूत को छोड़ देते हैं, भविष्य अच्छा हो ये सोचते हैं। सर दिल्ली अगर हम बात करें, भोपाल की, ग्वालियर, इंदौर की, जबलपुर की, तमाम ये जो महानगर है, यहाँ पे भी इसका AQI जो है काफी बड़े स्तर पे लगा है, एडवांस में लगा रहे हैं, दिल्ली से तुलना नहीं हो सकती हमारे किसी भी शहर की, हमारे भोपाल का बहुत अच्छा है दिल्ली की तुलना में, आप कैसे तुलना कर देंगे दिल्ली? सर क्योंकि AQI सर 100 के ऊपर जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए सर कुछ जो यंत्र लगाने की बात चल रही है उसे लगा सर, लगातार पुलिस को लेकर व्यवस्था आपने कर दी है, बड़ी व्यवस्था, ट्रैफिक को लेकर किस तरह से प्लानिंग की जा रही है आने वाले समय में भोपाल और बड़े इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए? इसमें इंदौर जैसे बड़े शहर के लिए भी, कल हम बैठे थे इंदौर के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी भी हमारे साथ, इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने बात की है और उसमें गुणात्मक सुधार करेंगे। सर